अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आज ना यहाँ पे थोड़ा अलग ही ठंडी ठंडी जैसा माहौल लग रहा है। मतलब ठंडी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बॉडी है ना सिर्फ फटी फटी सी फील हो रही है। मतलब अलग ही फील हो रहा है, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठंडी महसूस नहीं हो रही, पसीना भी आ रहा है, प्लस है ना स्किन ड्राई ड्राई हो रही है, अक्कड़पन हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है। आज मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ गई मुझे। खैर, अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी अपने बिंदास बोले तो चैनल के लिए, बिंदास बोले तो नाजिया के लिए। वहाँ पे मैंने हॉल शेयर किया था ना अपना, तो वहाँ मेरे पास कुछ लिपस्टिक आई है, जैसे कि मैंने अभी ये लगाई हूँ रेड कलर की लिपस्टिक, एसक्यू की मिनी लिपस्टिक्स आई है ना मेरे पास, तो वहाँ के लिए वो रिव्यू शेयर कर रही थी। तो देखिए ये सारे शेड मेरे पास इस बार आए हुए, उसके स्क्रैचेस इतने प्यारे शेड आए ना इस बारी को, सच में इतने प्यारे शेड आए ना, क्योंकि एक एक लिपस्टिक मैंने पसंद करके मंगाई। हाँ अभी यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना लोग कि क्या मैंने मंगाई करती है। अरे मैंने मंगाई मतलब वो पीआर पैकेज तो भेजते हैं, लेकिन पसंद हम लोग को करना पड़ता ना, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मंगाते ना, तो मैंने मंगाई बोलती मैं, इसलिए बोलती मैंने मंगाई करके। ओके, तो ये शेड मैंने ही मंगाई हूँ अपनी मर्जी से और मुझे सारे शेड बड़े पसंद आए हैं, बहुत खूबसूरत है। किसको पसंद आए ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके किसको पसंद आए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे सारे शेड, बहुत अच्छे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, अगर बाय करना है तो बाय कर लेना, बिकॉज 200 रुपीज़ की लिपस्टिक है, उस पर ऑफर चल रहा है तो और भी सस्ते से मिल जा रही है, तो ऐसा। और आप लोग मुझे पूछते हैं ये हाथ पे क्या हुआ ना, तो ये मुझे जो जख्म है ना मेरे को बंगड़ी में, पहले ना बंगड़ी बहुत पहनती थी, मुझे बंगड़ी पहनने का बहुत शौक था, ऐसी भर भर के हाथों में बंगड़िया पहनती थी मैं। एक दिन गिर गई मैं काम करते करते, तो है ना गिर गई ना, तो बंगड़ी घुस गई थी हाथ में, तो वो गार्ड बन गया। 2 मिनट बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये जो है ना ये एक तरह का गार्ड बन गई है मुझे, अंदर है ना गार्ड है, ये देखिए ये हाथ में आता है पूरा, देख रहे हो आप, ये मुझे जख्म है ना, यहाँ से बंगड़ी घुसी थी और यहाँ तक के घुसी थी, तो ये जख्म इस तरीके का हो गया है कि वो ठीक भी नहीं होता और अंदर दर्द भी रहता है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है जिसमें मैं फिंगर पहनती हूँ, और ये भी गलत फहमी होती है कि मैं उल्टे हाथ से खाती हूँ, उल्टे हाथ से काम करती हूँ, उल्टा हाथ, मैं उल्टे हाथ से कुछ नहीं करती, वो कैमरे का रिफ्लेक्शन है। अभी ये ट्राइपॉड में लगा हुआ है तो कैमरा यूं लगा हुआ है, और जब मुझे ब्लॉग बनाना होता है तो मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ती हूँ, तो मतलब वो मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा उल्टा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मेरा जख्म भी देख लीजिए उल्टे हाथ में, मेरी अंगूठी भी देख लीजिए उल्टे हाथ में, वोटिंग का निशान भी देख लीजिए उल्टे हाथ में, ये मेरा राइट हैंड है जिसपे सिर्फ एक पंखे का निशान है, फंका साफ कर रही थी गलती से, कुछ तो साफ कर रही थी गलती से, चलता हुआ फंका मुझे लग गया था वो है। तो ऐसा है, ये मेरा सीधा हाथ है जिसपे चटके वटके के निशान आपको दिखेंगे। तो ऐसा है। ओके, तो बस इतना ही बोलने का था, और लिपस्टिक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर जिसको भी चेक करना है तो चेक कर लेना। ओके, प्यारे शेड आए इस बारी को, ऐसा कोई भी शेड नहीं है सिवाय इसके कि मैं किसी को यूज नहीं करूंगी, ये मुझ पर शायद अच्छा ना लगे ये वाला शेड, बाकी सारे शेड अच्छे है ना, चेक करना जरूर, पसंद आया तो बाय कर लेना। नई लिपस्टिक आई है, बता दूं क्या कौन सी लिपस्टिक की बात कर रही हूँ, ये वाली लिपस्टिक, ये अभी इसका रिव्यू कर रही थी ना मैं, तो मेरे बाजू में ही रखा हुआ है ये सारे, ये देखिए, तो इसका रिव्यू कर रही थी तो मेरे बाजू में रखा हुआ, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ओके चलिए, फिर मिलती हूँ मैं कुछ टाइम से आप लोगों से, या निकालती हूँ ये, मेरे को ठंडी लग रही है, तो अभी वापस से मॉइस्चराइजर लगा के मिलती हूँ। आप लोग को पता है ठंडी मेरा फेवरेट मौसम है, ठंडी मेरा फेवरेट मौसम है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी का मौसम। और पता है मैं ये वर्ड कौन से मंथ में कितनी तारीख को बोल रही हूँ, नवंबर की आज 14 नवंबर है, नवंबर की 14 तारीख को मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों के इधर पे ठंडी महसूस हो रही है, जबकि ठंडी महसूस हो जाना चाहिए था अक्टूबर में ही ठंडी महसूस हो जाना चाहिए था, बट हकीकत मानो में ठंडी महसूस आज सुबह से होने लगी है, और अच्छा भी लग रहा है, और एकदम अचानक से मौसम चेंज होने की वजह से अच्छा नहीं भी लग रहा है, मतलब कन्फ्यूजन वाला अच्छा बुरा का कॉम्बो है। क्योंकि जब भी ठंडी पड़ती है ना, मतलब उसके 2 दिन पहले मेरा गला वाला बैठ जाता है, मेरा तबीयत ऊपर नीचे होने लग जाता, और ये हफ्ते भर से मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ठंडी नहीं लग रही थी, सिर्फ गर्म हो रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली 2-4 दिन से कंटिन्यूसली मेरे दांत का इलाज चल रहा है, और ठंडी आज बज रही है, और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जब
ठंडी पड़ती है तो पुराने से पुराना जख्म भी उठ के दर्द करता है, उठ के दर्द करता है। और आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ठंडी लग रही है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है कि फेस पे कोई पसीना नहीं है, स्वेटिंग नहीं है और मुझे चोंडा बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाल मैं खोल के खड़ी हूँ, देख सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अरे मेरे को पता है चांदी आ गई है, मेरा बाल देखो ना वाइट हो गया है, देखो दिख रहा है आप लोगों को। और ये किस वजह से हुआ पता है मेरा बाल ऐसा वाइट, ये कलर मैंने ये कारनामा की थी ना ये कलर लगा के, ये कारनामे की वजह से ये मेरा वाइट हुआ है बाल, वरना मेरे बाल वाइट नहीं थे, मैंने गलत तरीके से कलर किया था। कलर गलत तरीके से करने से भी वाइट हो जाते बाल, जरा सा भी वो जो उसके अंदर वो था ना पाउडर कलर का, क्या बोलते उसको, हाइड्रोजन, यही बोलते शायद से, हाँ, तो वो थोड़ा सा भी अगर अपने जड़ों में लग जाता ना बालों की, तो वो ऐसे वाइट हो जाते बाल, और मेरे साथ वही हुआ है। खैर अभी फिर से मैं केयर करूंगी अपने बाल की, यार मुझे गर्मी में ना अपने बालों के साथ कुछ करना अच्छा नहीं लगता, दिल करता है सिर्फ उसको बांध के रहो, लेकिन सर्दी का मौसम ऐसा है कि मैं अपनी स्किन का, अपने हेयर का, हर चीज का ख्याल रखती हूँ, अपने खाने का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ठंडी में मुझे ना बहुत भूख लगती है, दर्द वर्द सब गायब हो जाता है, दर्द वगैरह मुझे इतना कुछ फील नहीं होता, भूख के सामने दर्द याद नहीं रहता फिर मेरे को, मैं खाने पे भी अच्छे से ध्यान देती हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन सर्दियों में बारिशों में पेट भर के और भूख से ज्यादा खाना खाता है जरूर बताना, मतलब अगर जो पूरा साल, मतलब मैं बोल नहीं पाती हूँ यार, मेरा सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, कि जो लोग नहीं यार नॉर्मली दिन में 2 या 3 टाइम नाश्ते के साथ खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम दिन में 5 बार खाते हैं, तो वैसा मेरा ठंडियों में मौसम हो जाता है कि मतलब मुझे जब भी मिला ना, हाँ चलो खा लो यार, भूख है, जगह है पेट में, ऐसा ठंडी का मौसम ऐसा होता है कि मुझे मिल गया तो मैं खा लेती हूँ, तो ऐसा। और ठंडी का मौसम और किस किस को पसंद है जरूर कमेंट करके बताना। ओके बहुत सारी बात करी मैंने आज, मैं बहुत खुश हूँ पता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। पूछो क्यों, क्योंकि जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं थोड़ा सी नाराज हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ ना, आप लोग मुझे इतना दिलासा देते, इतना हौसला देते, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं ना, कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से नेक्स्ट डे मैं ना फोन उठाती हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, समझे, ये है आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए, और आप लोग ही मेरी हिम्मत है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ नेक्स्ट डे खड़े होके, दर्द हो, तकलीफ हो, नाराजगी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, मैं व्लॉग बनाती हूँ, समझे। तो ऑल क्रेडिट क्रेडिट गोज टू यू फॉर माई लविंग, मोस्ट लविंग व्यूअर एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ, आज तो मिलते ही रहूंगी मैं आप लोगों से। तो ये है बाबू का केक, बाबू के बर्थडे वाला केक है, ये इतना रह गया था एक्चुअली, कैसा ना, ये मैं अम्मी के घर में भिजाने वाली थी ना, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, मैं ये अम्मी के घर में भिजाने वाली थी, लेकिन अम्मी के घर पे भिजा नहीं पाई, क्योंकि उस दिन हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे, उसके बाद उन लोग वहां से घर पे चले गए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर मैंने रियाज को बोला भी था, आ भाई लेके जा केक, तो बोला रहने दे आपा तू खा लेना, तो मैं खाई, लेकिन आज लास्ट दिन है, अभी इतना बज गया पता है आपको, लास्ट दिन मतलब 11 तारीख को लाइवा केक है ना, 72 आवर्स सेल्फ लाइफ रहता है इसका, आज अगर नहीं खाई तो ये खराब हो जाएगा, समझ रहे आप लोग, आज अगर मैंने ये नहीं खाई ना तो ये खराब हो जाएगा, खट्टा मिट्टा टेस्ट है इसका, फ्रूट से बना हुआ, ये जो है ना, ये ब्लूबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, बट पूरा मिक्स फ्लेवर है, ये कैरेमल है सारा, और इसमें थोड़ा मैंगो फ्लेवर भी आ रहा है, मतलब मिक्स फ्रूट केक है, तो ये अम्मी के घर भिजा देते तो ये खत्म हो जाता था। हम लोग के घर में अक्सर कैसा होता है, जब भी बर्थडे होता है ना, तो जितना यहाँ काट लिए खा लिए उतना ही, बाकी वहां भिजाती हूँ, क्योंकि वहां पे 4 से 5 जने खाने वाले, लेकिन इस बार कोई लेके नहीं गया, फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगा नेक्स्ट डे बासी केक वहां भेजना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। है मेरा बेडरूम, और ये मेरे बर्थडे के टाइम पे लिखा गया था इंडियन ब्लॉगर नाजिया, और वहां पे है हमारा स्टोरेज, बाबू का सारा दवाइयों का सामान, और वहां पे मैं उज्मा के कपड़े सुखाती हूँ वो स्टैंड में जो देख रहे हो आप लोग, और थोड़ा नजदीक से लेके आऊँ मैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके का लुक दिखता है मेरे स्टोर, मतलब कैसे पता है वो बैक स्टोर बोल सकते हैं आप, बैक स्टोर, क्योंकि वहाँ पे सारी दवाइयों के बॉक्स है, बाबू फार्मा में है ना, मेरे हस्बैंड फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनका जो दवाइयों का स्टॉक आता है वो सारा वहाँ पे, प्लस उज्मा के बड़े बड़े जो खिलौने, घोड़ा उसका हॉर्स, वो वहाँ पे है, तो ऐसा। बहुत दिन के बाद मैं अपने बेडरूम में आके आज आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, अरे मुझे अच्छा फील हो रहा है पता है, गर्मी नहीं लग रही ना, सबसे बड़ा मेन मेरा प्रॉब्लम आज के लिए बोल रही हूँ, आज के लिए सॉल्व हुआ है, आगे की गारंटी मैंने लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों के इधर पे मौसम बदलने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगता।
पनामा की, पता है आप लोगों को, मैंने अपनी टी शर्ट फाड़ी एक, ये मेरी टी शर्ट है, मैं पहनती थी इसको कभी, आज मैंने इसको फाड़ दी, एकदम सॉफ्ट कपड़ा ये, एकदम सॉफ्ट कपड़ा, मेरी फेवरेट टी शर्टों में से एक थी, इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बट आज मैंने इसको फाड़ दी। पूछो वैसे क्यों? क्योंकि ना मेरे कॉटन के दुपट्टों फाड़ फाड़ के, किचन पोछ पोछ के, अभी कॉटन के दुपट्टे खत्म हो गए, और दो तीन कॉटन के दुपट्टे थे जो कि मैंने वहां पहुंचा दी यूसुफ बाबू को बांधने के लिए, कॉटन के कपड़े लगते हैं ना मालिश के बाद जब वो सोता है तो इसलिए, और तो अभी इससे मैं अभी अपना किचन साफ करूंगी, इसको ऐसा गीला कर लेने का पानी में, मस्त किचन। अभी आप लोग सोचते होंगे मैं स्कॉच ब्राइट वाइपर क्यों यूज नहीं करती हूँ, तो मैं पहले वो स्कॉच ब्राइट वाइपर ही यूज करती थी, बट स्कॉच ब्राइट वाइपर या कोई भी दूसरा जो क्लीनिंग के लिए यूज होता है वो कैसा होता है पता है, ज्यादा वक्त हम लोग उससे दो तीन बार अपन उससे साफ करते तब तक अच्छा रहता, चार दिन दस दिन और अच्छा रहता, लेकिन अगर वो गीला रहता ना वो चिपचिपा सा हो जाता, चिकटनेस रह जाती उसके अंदर, वो क्लीन करने के बाद भी नहीं निकलती, फिर उसको गर्म पानी में भिगाओ क्लीन करो, 15-20 दिन वो यूज करने से अच्छा मैं सोचती हूँ कि ऐसे कपड़ों को निकाल लो, उससे चार दिन किचन साफ करो, उसके बाद चौथे पांचवें दिन ये फेंक दो, जब तक क्लीन करने पे ये चमकता है तब तक ठीक है, क्लीन करने पे धोने के बाद भी अगर ये नहीं चमकता है मतलब इसकी कंडीशन अप्लाई हो गई है, अभी कपड़ा चेंज करो, तो मुझे ये बेटर लगता है, हाइजीन मेंटेन लगती है मुझे, तो ऐसा है। अभी आई हूँ किचन में, किचन क्लीन करती हूँ और चाय बनाती हूँ फटाफट से। और देखिए जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था ना आप काई में लगा के वो करती हो मतलब वीडियो बनाती हो, तो देखिए ये एक स्टैंडी बाबू ने लाए थे तो वही लगा हुआ रहता है यहाँ पे, मैं उसको एडजस्ट करती रहती हूँ और अब वीडियो बनाती रहती हूँ, एडजस्ट कभी यहाँ लगाती हूँ, कभी वहाँ शिफ्ट करती हूँ, कभी वहाँ शिफ्ट करती हूँ, ये यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ये ना ये ऐसा निकल जाता है, देखिए ये सिंपल ऐसा है, ये देख रहे हो आप, ये ऐसा, तो ये लेके आए थे बाबू, ये मेरा दूसरा है, पहले वाला टूट गया था, यहाँ से टूट गया था, इतना मैं मोड़ती हूँ, इतना मतलब उसको एडजस्ट कर करके आप लोगों के लिए मतलब एंगल ले लेके मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वो टूट जाता, ज़्यादा लंबा नहीं चलता, ये मुश्किल से 30 वीडियो बना सकते आप इसमें, मैं तो 30 वीडियो बनाई थी, मेरा टूट गया था, अभी देखो ये लाए हुए तो हो गए 20-25 दिन, अभी भी नया दिख रहा है, देखो अभी कितने दिन चलता है ये, तो ऐसा इजी रह जाता, पता है किचन ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है ये, तो ऐसा है। तो कुछ 250-300 रुपये का लेके आए थे बाबू ने, ये जो बताई ना मैं आप लोग, पहले वाला जो टूट गया था ना वो तो 250 रुपये का लाए थे, लेकिन अभी ये वाला इसका प्राइस मैंने पूछी नहीं, ये थोड़ा हार्ड क्वालिटी है, मतलब वो पहले वाला से बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी जो मैंने अभी बताई ना ये वाला पहले वाले से बहुत अच्छा है, तो देखिए कपड़ा ऐसा गीला करने के बाद ना इतना अच्छे से क्लीन होता ना, मेरे को अच्छा लगता है कॉटन से, कॉटन के कपड़ों से मतलब किचन क्लीन करने, गैस क्लीन करने, और खास करके गैस को है ना मैं दो दिन में एक बार साबुन काते से धोती हूँ, और ज्यादा करके मैं शरफ के पानी में भिगा के ऐसी गैस क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो ना गैस पे ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो स्टील का रहता ना तो उसकी चमक पूरी मर जाती है घसने से, ज्यादा घसने से, तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं घसती, मैं सिर्फ ये जो इसको पड़का जो है ना ये घसती हूँ और इसकी ये प्लेट घसती हूँ, तो ऐसा है, मैं ज्यादा गैस पे जुलूम नहीं करती, नहीं तो फिर वो गंदा दिखता है। अब देखो मेरा ये गैस का चूल्हा है ना, ये गैस का चूल्हा, ये कितने साल पुराना हो गया, 4 साल हो गया अब इसको, लेकिन फिर भी उसकी चमक अच्छी है, अगर इसको मैं रोज काते से घसती थी ना तो ये ऐसा नहीं दिखता था, तो ऐसा आज मैं कितनी बात की ना, और क्या क्या बताई ना, क्या होता है बताया ना, मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से वॉइस ओवर पे बात नहीं कर पाती हूँ ना, सॉरी ऐसे सामने सामने बात नहीं कर पाती ना, वॉइस ओवर में करती ना, तो वॉइस ओवर में फटाफट फटाफट बोलना पड़ता है, जो सीन चल रहा है उसमें मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ती है, तो जो ये सब बारीक बारीक जो बातें जो मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ ये उसमें करने नहीं मिलता, और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ इस तरीके से खड़े रह के आप लोगों से बात इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि पीछे से मेरी आवाज के साथ साथ और भी बहुत सारी आवाज आती है, जैसे कि आज आप लोगों ने सुनी होगी कई जगह पर बच्चे रो रहे हैं, कई जगह पर कुछ, तो इस वजह से मैं ज्यादा बात नहीं करती इस तरह से, मैं फिर ना वॉइस ओवर कर देती हूँ, तो ऐसा हो जाता है, इसलिए फिर ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग पूछते हैं तो वो मैं कवर नहीं कर पाती ब्लॉग में, तो ऐसा है, आज मैंने कवर ही कर दी सारी बातें, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ब्लॉग में कवर नहीं कर पाती हूँ, मतलब वॉइस ओवर के अंदर मैं कवर नहीं, ये भी मेरा ब्लॉग ही है, बट मैं वॉइस ओवर वाले ब्लॉग की बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर वाले ब्लॉग में
मैं बहुत सारी बातें कवर नहीं कर पाती हूँ, और काफी दिनों से मेरा वॉइस ओवर वाले ब्लॉग ही आप लोगों को मिल रहे हैं। पता नहीं आज मैं 3 महीने बाद, हाँ 3 महीने बाद आज मैं पहले जैसी व्लॉग बना रही हूँ। मतलब एट अ टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ 3 महीने बाद। तो ऐसा है, 3 महीने पहले मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाया करती थी, 3 महीने से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब कुछ सवाल आप करते हो, कुछ जवाब मैं देना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे वीडियो भाग रही है और मैं उसके पीछे बोलती रहती हूँ, मुझे तो फटाफट बोलना पड़ता है। वॉइस ओवर में बहुत भारी लगता है, वॉइस ओवर करने के लिए मैं समझा भी नहीं सकती, इतना भारी लगता है। तो ऐसा एक तो पता है आप लोगों को, मेरा राशन खत्म हो गया, मैं राशन खत्म होके भी 3 दिन हो गया। आज मैंने राशन का ऑर्डर दिया, चाय की पत्ती और शक्कर मेरे को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। आज आधा किलो शक्कर मंगाई दुकान से, और 10 रुपए वाली चाय की पत्ती होती ना सोसाइटी, वो मंगाई। कल भी चाय की पत्ती बाहर से आई थी, और ये देखो दुकान से चाय की पत्ती लाती हूँ ना जब भी, मेरे को पता नहीं ये लाल मूंगी क्यों लगती है। घर में 5-5 किलो चाय की पत्ती बोली, घर में 5-5 किलो शक्कर पड़ी रहती तब नहीं लगती मूंगी, लेकिन दुकान से लाएंगे ना तो पता नहीं मूंगी लग जाती, पता नहीं क्यों, मेरे को ये रीजन नहीं समझ में आता। बोलते शक्कर में ना, मतलब घर की कोई चीज में लाल मूंगी लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लाल मूंगी शक्कर में नहीं लगेगी तो बेचारी कहाँ लगेगी। आखिरकार जोड़ी है मीठे और मूंगी की, तैसा है ना। क्या बोलती हूँ ना, पगला जाती ऐसी हूँ मैं। लेकिन मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। इसको बोलते बात करना, इसको बोलते इंटरेक्ट करना, इसको बोलते अपने दिल की बात बताना। मेरे को ऐसा बात करना नहीं मिलता आप लोगों से, यही बताई ना अभी। मेरे साथ साथ आजू बाजू की बहुत सारी आवाजें आती, इसकी वजह से मुझे बात करना नहीं मिलता। तो खैर बर्तन धोती हूँ अभी फटाफट से, और ये भी नहीं बताई मैं, मेरा नल खराब हो गया था। देखो कितनी सारी चीजें बताना भूल जाती हूँ मैं व्लॉग के अंदर। ये मेरा नल खराब हो गया था, एक दिन पानी आया पीने का और ये नल हम लोग का टूट गया था। पहले ऐसा था नल, तो है ना वो टूट गया था, तो ले पूरी बाहर यहाँ पे पूरे पानी पीने का पानी भरने का नल है ना, ये हम लोगों का टाकी का नल अलग है जो टाकी में पानी चढ़ता है, और ये वाला नल हमारा पीने का पानी है। हम लोग यहाँ पे बर्तन सुबह में निकाल के इसको वॉश करके यही से पीने का पानी भरते हैं, यही है कनेक्शन। अभी इसको थोड़ा हाइजेनिक अनहाइजेनिक मत करना, पीने का पानी हम लोगों का यहीं से आता है तो हम लोग को यहीं से भरना पड़ता है। तो ये नल पूरा निकल गया था, तो इसके लिए अभी ये चेंज किया हम लोगों ने। ओके तो ऐसा है जिंदगी में एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, हर चीजें अपने मन के मुताबिक नहीं मिलती ना। तो ऐसा, तो ये नल तो हम लोग ने खुद ने चेंज किया, रूम मालिक को परेशान नहीं किए, नल भी खुद ही लाए और लगवाए हम लोग। अभी ये छोटी मोटी चीज के लिए क्या मालिक को परेशान करने का, रूम मालिक को अभी बड़ी बड़ी चीजों के लिए परेशान करने का। जैसे कि अभी मेरे को गर्म होता बोल के मैंने उनको बोली ना थर्माकोल चाहिए हमको, थर्माकोल लगा के दे दो छत पे, तो रूम मालिक बोले अच्छा ठीक है सोचता हूँ। तो छत पे अगर थर्माकोल लग जाएगा तो थोड़ा गर्म कम होगा ना हम लोग को, तो इसके लिए। चलो अभी मैं चल रही हूँ थोड़ा बाहर, मच्छी मार्केट जाती हूँ, मच्छी खाने का मन कर रहा है, जाके देखती हूँ मच्छी मार्केट। बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, क्या पता कौन सी मच्छी होगी नहीं होगी, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मच्छी मार्केट जा रही हूँ। थोड़ा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दी थी इसलिए थोड़ा 7:30 बज गए तो अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, 7:30 बज रहा है। अभी मैं जाती हूँ मच्छी मार्केट, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से।
मच्छी पेपर में लपेट के मिली है और दोनों साथ में मिली है। थैली नहीं मिलेगा, थैली नहीं मिलेगा। मिले ठीक है, दे दो भाई ऐसे ही दे दो, बट उसमें मच्छी की जान निकाल दिए लपटने के चक्कर में। तो ऐसा अब इसको साफ करती हूँ, देखती हूँ पहले तो दोनों बनाने का है कि एक ही बनाती हूँ कोई भी मच्छी, लेकिन साफ तो दोनों कर लूंगी मैं, तो इसको साफ करके मिलती हूँ मैं। ओके, चार पांच भांगड़ा इतनी छोटी छोटी, ठीक है, बड़ी वाली भी थी मैंने बताई ना आप लोगों को, बट मैंने ये ली और मांदेली ली, मांदेली अच्छी मिली 20 रुपए की। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, पटेले डोर। वो कैसी दिख रही है, कितनी गंदी दिख रही हूँ, उसको सुनने ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। सब सुनने में आता है इसको, मेरे को कॉपीराइट आना तो देख लेना, जाओ चुप रहे कुत्ते। बाबू को बचपना सूझ रहा है, आनी तो क्या कब से आधे घंटे से बैठ के यहाँ पे वही कर रहे हैं। अभी आए वो काम पे से, आधा घंटा नहीं हुआ अभी आए काम पे से, बैठ के 15 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बात नॉर्मल टोन में नहीं कर रहे, वो वही वही चालू रख के बात हो रही है हम लोगों की, मस्ती चालू थी। अभी जा रही हूँ किचन में, वो मच्छी वच्छी जो है दाल चावल बनाऊंगी, दाल चावल और मच्छी फ्राई डिसाइड कर लिए। बाबू से पूछी क्या खाएंगे, तो बोलते बांगड़ा रख, बांगड़ा कल बना देना, आज मांदेली फ्राई कर दे, तो मांदेली बनाने जा रही हूँ मैं, मांदेली फ्राई करूंगी। ओके, क्या हो रहा मेरे को, क्या हो रहा, नहीं बोलूंगी, मुझे प्यार करने वाले समझ जाएंगे क्या हो रहा था मेरे को। तो मेरी मांदेली चमक गई, देखिए धो दी मैंने मांदेली को, अभी बस मसाला लगाने जा रही हूँ, इसको मसाला लगा के रख दूंगी और उसके बाद फिर दाल चावल चढ़ाऊंगी। मांदेली को कैसे साफ करते हैं और कैसे पकाते हैं, प्रॉपर तरीके से कैसे साफ करते हैं, कैसे क्या, पूरा मांदेली पे एक वीडियो बनाया है मैंने पहले भी, तो वो लिंक देखो मैं तो आई बटन में लगा दूंगी, ऊपर ही आ रहा हूँगा, या तो फिर आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा वो मांदेली वाला वीडियो, तो आप प्रॉपरली देख के बना सकते हैं, जिसको भी फिश खाने की इच्छा होती है और जिसको पसंद है मेरी तरह, तो ऐसा है। ओके, तो आज मैंने साफ कर ली, फटाफट से इसमें मसाला लगा लेती हूँ, तो मसाले में कुछ नहीं, मैं मिर्ची की भुक्की डाल रही हूँ। वो वीडियो में मैंने आप लोगों को दो तरीके की मांदेली बताना बताई हूँ, मतलब सिखाई, क्या आता है बहुत सारे लोगों को बनाने के लिए, तो खैर मैंने जिस तरह से बनाती हूँ मैंने दो तरीके से वो वीडियो में बताया है, आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं कुछ नहीं, थोड़ा सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया की बुक्की और थोड़ी सी मिर्ची की बुक्की ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा अदरक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिला के रख दूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना दाल चावल चढ़ाऊंगी और दाल चावल बनने के बाद इसको फ्राई करूंगी। अभी बज रहे हैं 8:30, जब तक मेरा दाल चावल बनता है इसको मसाला लगता है तब तक 9 बज जाएगा और मेरा सीरियल आएगा, ठीक है, आ रही ना पीछे से आवाज आप लोगों को, बच्चों की आदमियों की बहुत आवाज आती है, इंजॉय करो इंजॉय करो, मेरी भी आवाज सुन सुन के थक जाते होंगे आप लोग, तो आजू बाजू की भी आवाज सुनो इंजॉय करो, बाबू थोड़ी तुम्हारी भी आवाज सुनो, कहा है आवाज नहीं आई तुम्हारी आवाज, सुनो रे खाने को दे रे। मेरे लिए मैं बाबू ने बताया फिर से ना वो लेके आए, कल नहीं मिला था ना चाट, मैंने बोली थी ना आप लोगों को मुझे रगड़ा पेटिस खाने का, तो कल नहीं मिला था, कल समोसा लेकर आए थे मेरे लिए खाने को, तो अभी ये लेके आए, तभी खाऊंगी मैं ये लगा के, दाल चावल चढ़ाती हूँ जब तक उसकी सीटी होती है तब तक फिर मैं ये खा लूंगी, तो अभी इसका मसाला लग गया। ओके, अब मैं इसको रख देती हूँ,
आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला, बहुत सारी बातें की ना मैंने, है ना। आज तो व्लॉग बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया ना। अल्लाह हाफिज। कैसे कैसे खाना वाना खाए? खाना खाए खाए। मैंने तेल लगाई के? अब भी आई मैं चलो ऐसा कर दो, प्यार से कर दो, अल्लाह हाफिज बाय। लाइक करना, पप्पी भी दे दो। अरे वाह, चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोलो मेरा नाम, बोलो उज़्मा है। अरे जाओ बा।